मैं तो कुर्बानी करूँगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ़ इंसानों के दरमियान में नहीं रखी, बल्कि जानवरों के साथ भी मोहब्बत का, शफ़क़त का सलूक इस्लाम हमें करने का हुक्म देता है। इंसान तो इंसान है, जानवर से भी जब बंदा कुछ दिन उसके साथ गुजारता है, लगाव रखता है, तो उसके साथ भी प्यार हो जाता है। अब ये जानवर इसको चंद दिन पाला गया और इसके साथ ऐसे प्यार मोहब्बत रहा, आज साल गुजरने के बाद भी ये इतना याद आता है कि बहुत ज़्यादा। तो यही कुर्बानी है, अल्लाह ताला का तकाजा यही है कि लन तनालु अल-बिर्र हत्ता तुन्फिकु मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम उस वक्त तक नेकी को पहुंच ही नहीं सकते जब तक कि अपनी कीमती चीज़ को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान नहीं करते। तो ये प्यार मोहब्बत पड़ जाना, फिर उसके बाद अल्लाह के रास्ते में अपने जानवर को ज़िबा करना, तो ये असल नेकी है। अल्लाह तबारक तआला तमाम की नेकियों को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला रियाकारी से महफूज फरमाए। ये हमारे जानवर की, बकरे की आप थोड़ी सी शरारतें देखें, इसके माशाल्लाह एक्टिविटी देखें, किस तरह छत पे चढ़ के और ये नीचे देख रहा है और कूद रहा है। तो याद रखिए, यहाँ पर ये बताना मकसूद नहीं है कि हमने जी कुर्बानी की थी, हमने ये किया था वो किया था, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे, इंशाल्लाह हम भी करें। तो ये वैसे एक आपको मैं एक जानवर दिखा रहा हूँ। जज़ाकअल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।